टीवी की गोपी बहू देवी लूना ने सीक्रेट वेडिंग करके हर किसी को हैरान कर दिया है। 14 दिसंबर को दोवी लीना ने जिम ट्रेनर शाहनवाज से शादी रचाकर अपनी जिंदगी का आगाज किया। शादी की तस्वीर शेयर करते देवी लीना ने फैंस को अपनी इंटीमेट वेडिंग की जानकारी दी है, अपने हस्बैंड से भी मिलवाया है। लेकिन इंटर रिलीजन शादी करने पर कई लोग देवी लूना को लगातार ट्रोल कर रहे हैं, जिसका अब उन्होंने जवाब दिया है। देवी लीना जिम ट्रेनर शाहनवाज को पिछले 2 सालों से डेट कर रही थी। लंबे रिलेशनशिप के बाद देवी लीना और शाहनवाज ने गुपचुप तरीके से शादी रचाकर हर किसी को सरप्राइज कर दिया। लेकिन शाहनवाज के मुसलमान होने पर कई लोग एक्ट्रेस को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने देवी लीना का मजाक उड़ाते हुए उनसे पूछा था, क्या उनका बेबी हिंदू होगा या मुसलमान। यूजर ने तो अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन देवी लीना ने हेटर को मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक्ट्रेस ने अपने जवाब में लिखा है, मेरे बच्चे हिंदू होंगे या मुसलमान, आप कौन हैं? आपको इतनी अगर बच्चों को लेकर चिंता हो रही है तो बहुत सारे अनाथ आश्रम हैं, जाइए अडॉप्ट कर लीजिए और अपने हिसाब से धर्म और नाम चुनिए। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा धर्म, मेरे नियम, आप कौन हैं? देवी लीना ने अपने एक दूसरे ट्वीट में लिखा है, मेरे और मेरे पति पर छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे, और दूसरों के धर्म पर गूगल सर्च करने की बजाय अपने धर्म पर फोकस कीजिए और अच्छे इंसान बनिए। इतना तो मुझे यकीन है कि आप जैसे से ज्ञान लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। देवी लीना की बात करें तो वो अपनी शादी से काफी खुश हैं। उन्होंने अपनी वेडिंग फोटोज शेयर करते हुए लिखा था कि अगर चिराग लेकर भी ढूंढें तो उन्हें ऐसा पति नहीं मिलता। देवी लीना और शहनवाज की वेडिंग फोटोज सोशल मीडिया पर अब तक छाई हुई है। एक्ट्रेस को फैंस और सेलेब्स ने ढेर सारा प्यार और बधाई भी दी है, लेकिन कुछ लोग इंटर रिलीजन शादी करने पर कपल को ट्रोल कर रहे हैं। खैर, हम तो देवी लूना को उनकी शादी की ढेर सारी बधाइयां देते हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।